वेलकम गाइज, MPM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो एम्स BS नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। सभी बातें हम यहां पर करेंगे कि आपका जो एम्स का BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन से लैंग्वेज में आपका पेपर होता है, कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कितने नंबरों का पेपर होता है और कितने मार्क का होता है और कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, सब कुछ हम जानने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज, एम्स सबको पता है ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि ड्रीम होता है हर बच्चे का और यहाँ पर सिलेक्शन पाना मतलब लॉटरी लगने जैसा है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सिलेक्शन हो गया तो सभी टेंशन आप छोड़ सकते हो, आपकी लाइफ सेटल है। ठीक है, क्योंकि इसमें 100% जॉब और प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, सर इसका एग्ज़ाम पैटर्न बताइए, कौन से लैंग्वेज में होता है हमको बताइए, हम करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं हम, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा गाइज। ठीक है, और सबसे स्पेशल गर्ल्स के लिए, जी हाँ बिल्कुल, गर्ल्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने दे रखी है, तो गर्ल्स को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, क्लियर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल मार्किंग की बात करें तो 100 मार्किंग। ठीक है, पेपर की लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर ओनली इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में नहीं होता, क्लियर, ओनली इंग्लिश में ही आपका पेपर होता है गाइस। 2 घंटे का पेपर होता है ड्यूरेशन की बात करें तो। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर होती है नेगेटिव मार्किंग, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना होगा हमें, 1/3 इतनी होती है, -1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपका 1 सही क्वेश्चन जो आपने सही किया था वो भी चला जाएगा, यानी कि वो गलत माना जाएगा, समझ गए, 1/3 का मतलब। अब आप सोच रहे होंगे फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आपके 30 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे। केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे एम्स में, तो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। बायोलॉजी के 30 और जीके के 10 क्वेश्चन हो गया ना, टोटल 100। ये तो आपका क्लियर हो गया कि टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे, ये भी श्योर हो गया। और कौन सी लैंग्वेज में पेपर होगा, इंग्लिश में होगा, ये भी क्लियर हो गया। कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/30, ठीक है, 1/3, ठीक है, 1/3। चलिए, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हमने बता ही दिया कि स्टार्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, सर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो भी हम इसी वीडियो में बताएंगे, सारी प्रॉब्लम आपकी इसी वीडियो में सॉल्व होने वाली है। ठीक है, तो ये लीजिए, और गर्ल्स को तो करना ही चाहिए अप्लाई गाइस, आप कहीं के भी हो, मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान से हो, UP से हो, कहीं से भी हो, आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। लास्ट डेट 6 अप्रैल यहाँ पर दे रखी है, एडमिट कार्ड 2 जून को आ जाएगा आपका, एग्ज़ाम कब होगा, 14 जून, ये भी डेट आ गई है, तैयारी शुरू कर दो। और हम तो ये आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, और आपको सिलेक्शन लेना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत गाइज क्या बताएं आपको, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पर, वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा ये सब हमने मेंशन कर रखा है, डोंट वरी, आपको कोई भी फिक्र नहीं करने, पूरी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है। काउंसलिंग कब होगी, मेरिट कितनी जाती है, OBC वालों के लिए कितने नंबर हमको लाने होंगे, जनरल वालों के लिए कितने, सब कुछ, SC ST वालों के लिए कितने, सब कुछ हम आपको बताएंगे, डोंट वरी। चलिए, ऑनलाइन आपका होगा, ये 2 घंटे का होगा, ये भी क्लियर हो गया, और एक कुछ हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दे रखे। अब आगे बढ़ते, सिलेबस भी देंगे, बताएंगे हम आपको, पूरा वीडियो देखिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। देखिए गाइज, OBC जनरल वालों की फीस लगने वाली 1500 रुपये, 1500, और जो रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं SC ST उनकी 750 रुपये, क्लियर। ये आप एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हो, तो उसकी भी जो डाउट था आपका वो हमने क्लियर कर दिया। आगे है, आप ATM या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हो। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास आउट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश आपके होना चाहिए। क्वालिफाइंग मार्किंग कितना होना चाहिए, 12वीं परसेंटेज, अगर आप OBC जनरल से हो ना तो 55 आपके 12th में होना चाहिए, अगर आप SC ST से हो तो आपके 50% होना चाहिए,
सिंपल सी बात है। ओके, कंपलसरी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश। एज क्राइटेरिया मिनिमम आपका 17 ईयर्स होना चाहिए। एम्स बेस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न ये दिखा रखा है, ठीक है। हमने आपको बता ही दिया था कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और पेपर कौन से लैंग्वेज में होगा ये देख लो, इंग्लिश में ही होगा आपका। जो पूरा वीडियो देख रहा है उसके कोई डाउट ही नहीं रहेगा, और जो बीच में से वीडियो को छोड़ के जा रहा है फिर कमेंट करेंगे सर पेपर कौन से लैंग्वेज में होगा, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, जिन्होंने वीडियो पूरा देख लिया उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एडमिट कार्ड हम आपको बताएंगे, और आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा एडमिट कार्ड का। जो आप फॉर्म भरोगे ना गाइज, उसमें आपको अपने जो प्रेजेंट टाइम पे जो फ़ोन नंबर चालू है वो वहाँ पर देना है फॉर्म में, तो आपको हर अपडेट उसमें मिल जाएगी एडमिट कार्ड की आपकी, ठीक है। और अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी देखेंगे यहाँ पे काउंसलिंग के, ये आ गया आपका सिलेबस। केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा गाइज, थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन वाला भी यहाँ पर ऐड कर लीजिए, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन वाला चैप्टर आपके है विलयन, जिसको आप बोलते हो। इसके बाद जनरल प्रोसेस, गाइज बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करना है, आपने जो GNTST PNTST की तैयारी की है वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पर काम आने वाली है, सिंपल सी बात। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए कि आपने जो PNST की तैयारी की है GNTST की, उसी के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का लेवल यहाँ पर रहने वाला है, तो लायक बनता है इस बात का। और GK की बात करें तो GK कहाँ की आएगी हम आपके तैयारी करवा देंगे, कौन से चैनल पर करवाएंगे वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। जेके लोन जॉब का नाम तो आपने सुना ही है, केमिस्ट्री में और जो आपकी सरफेस केमिस्ट्री है वहाँ से भी कुछ सुनाएंगे। जनरल प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट, केमिकल काइनेटिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे। सॉल्यूशन देखो हमने बताया था ना, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट, और पॉलीमर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुलक, ठीक है। यहाँ से तो आता रहता है एक दो क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पी ब्लॉक डी ब्लॉक जितने भी ब्लॉक है ना उनको अच्छे से तैयारी कर लेना, खासकर PDF ब्लॉक। सरफेस केमिस्ट्री और एल्कोहल, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों आती है इसमें, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो दोनों का अच्छा सा बेस होना चाहिए आपका। और जिन्होंने ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ ली ना केमिस्ट्री तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें पेज ओपन नहीं हो रहा, पेज ओपन कर लेते हैं पहले हम, ताकि आपको फिजिक्स और बायो का भी दिखा दे। केमिस्ट्री हो गया हमारा, तो अब चलिए बायोलॉजी में आ जाओ, ये तो सबका फेवरेट है। मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में सबने सुना होगा, और रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर, और एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 101% क्वेश्चन आता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन का जो रिप्रोडक्शन है मेल और फीमेल दोनों का अच्छे से याद कर लेना, मेस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ लेना, 101% क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है, वो हम आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जेके लोन जॉब चैनल पर। इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 11th का जो चैप्टर है ना वो यहाँ पर आपको देख लेना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल और सेल थ्योरी ये आपको थोड़ा सा रीडिंग करना है। डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, और भी यहाँ पर हम बायोलॉजी के कुछ टॉपिक है जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, वो यहाँ पर मेंशन आपको करना होगा। सो गाइस, जब बात करें फिजिक्स बहुत ही विज्ञान जो सबको टप लगती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे इजी फिजिक्स ही, अगर इसको समझो तो आप ज़िंदगी पर भूलोगे नहीं, ठीक है। और जो हम मेथड बताएंगे ना आपको, डोंट वरी, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट, मैग्नेटिज्म और डुअल नेचर ऑफ मैटर, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया आपका, ये तो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और आपको पता ही गाइस सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है आपके लास्ट में, ठीक है। तो वहाँ पर डायोड दे रखा है, ट्रांजिस्टर दे रखा है, काफ़ी सारे जो कैपेसिटर है उनका कंबाइन, ठीक है, रेजिस्टेंस का कंबाइन, समांतर क्रम में पैरेलल जिसको आप बोलते हो, एक तो होता है पैरेलल और एक होता है श्रेणी क्रम में, सीरीज क्रम में दो होता है, तो उसको कैसे कैसे कंबाइन करके क्या बनाया जा सकता है, और क्या उसका प्रतिरोध होता है, क्या उसका रेजिस्टेंस, सब कुछ हम आपको बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चैप्टर का। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा जो आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक वाला चैप्टर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, एसी करंट वो भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब बात करते हैं GK की, GK में ऐसा क्या पूछा आपसे जाएगा, तो कल्चर से रिलेटेड पूछा जाएगा, जियोग्राफी आपसे पूछी जाएगी, करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, जनरल पॉलिसी, हिस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च, कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया वो भी आपसे पूछा जाएगा।
अब बात आती है रजिस्ट्रेशन कैसे करें सर, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हम आपको बता देंगे। और ये आपका चाहिए ना सिलेबस वगैरह, ये पूरा पैटर्न, तो इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस साइड पर आपको सब कुछ मिलेगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, सिलेबस भी यहाँ पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। इसका लिंक हमने नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में। अब आ जाते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सो गाइस, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, और यहाँ से ये देखिए इसका लिंक भी हमने आपको दे दिया ताकि आप सीधा रजिस्ट्रेशन कर सको। और ये देखो सारा प्रोसेस यहाँ पर दे रखा है, रजिस्ट्रेशन आईडी हो गया आपका, पासवर्ड और एक कैप्चर इंटर करके यहाँ से लॉगिन आपको करना है, और उसके बाद सारी प्रोसेस आपको इसमें समझा दी जाएगी। आप चाहे तो मित्र का सारा किसी मार्केट में साइबर से ये काम करवा सकते हो और फॉर्म को फिलअप करवा सकते हो, और लिंक दे दिया है अगर आप मोबाइल से करना चाहो तो। ठीक है, दोनों लिंक हमने आपको दे दिए, सिलेबस का भी दे दिया नीचे लिंक मिल जाएगा। और जो जेके लोन जॉब चैनल है ना, वहाँ पर इसकी तैयारी करवा रहे हैं एम्स की, तो उस पर आप जा सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके गाइस, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।